नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला रामनगर में आयोजित आदि उत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के बीच में निरंतर प्रदेश में जा रहा हूं। आज जनजातीय संस्कृति के प्रति आत्मीयता, मातृभूमि की रक्षा करने वाले जनजाति समाज के महापुरुषों गौरवगान करने के पर्व आदि उत्सव में आकर मुझे आत्मीय खुशी हुई है। उन्होंने राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, वीरांगना रानी दुर्गावती को याद करते हुए कहा कि मंडला रामनगर की पावन भूमि हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल आदिवासियों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, बल्कि जनजातियों की संस्कृति, प्राचीन विरासत को संरक्षित व समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, दीक्षांत समारोह में ज्यादा से ज्यादा बेटियों को डिग्रियां लेते हुए जब मैं देखता हूँ तो हृदय से प्रसन्नता होती है। इसलिए आदिवासी समाज की बेटियों को आगे बढ़ने का संकल्प यहाँ से लेकर जाना है, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी से बचने, समझने और उससे होने वाली कठिनाइयों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, फग्गन सिंह कुलस्ते एवं अर्जुन मुंडा निरंतर जनजाति समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे ताकि देश का वनवासी समाज दूसरे अन्य समाज की तरह आगे बढ़ता रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश एवं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे जनजाति समाज के हित में लिए गए निर्णय और कार्यों का उल्लेख किया। खुद मैंने जो यहाँ आकर देखा है, ऐसे आयोजन करता केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, खाद्य मंत्री बिशनुल साव जी, जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। खाए ने धीरे धीरे बोलना। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के महामाई राज्यपाल मनुभाई छगन भाई पटेल जी, माननीय हमारे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भाई फग्गन कुलस्ते जी, माननीय हमारे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए, अलग अलग स्तर पे अगर कोई भी तकलीफ हो हमारे लोग हैं तो आप उनसे संपर्क करके या मुझसे कह सकते हैं। अगर ये हमारा अपना कार्यक्रम है, हमारे जनजाति समाज का कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सबसे अभी ही आग्रह करना चाहता हूँ। हो सकता है आप बाहर देश भर से आ रहे हैं, कमी हो सकती है, कोई कठिनाई हो सकती है, परंतु मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज ये जो अवसर हमको दिया है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का, आज ये अमृत महोत्सव सही मायने में, आज मैं जितने भी हमारे राज महाराजा परिवार के उनके संतान है उनका स्वागत करता हूँ विशेषकर, और इसलिए मैंने उनका किसी प्रकार का स्वागत नहीं किया। मैं हाथ जोड़ करके उन सबका पूरे समाज के तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने ये अवसर हमको दिया है, और इसलिए मैं सभी राज परिवार के उन प्रतिनिधियों को, उन परिवारों का स्वागत करता हूँ, या उपस्थित भाई और बहनों का स्वागत करता हूँ, हमारे सारे देश के पंडा पुजारी, समाज के प्रमुख, अलग अलग लोग हैं, सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और ये जो छटा बिखेरने वाले, हमारी जो पहचान है, संस्कृति है, इस प्रकार के सभी भाई और बहनों का हमारे, उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। एक ऐसे महा महोत्सव का जो प्रमुख है उद्देश्य, इसके अंदर हमने विभिन्न तरह के स्टॉल, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, हमने उनका भी सारा स्टॉल हमने लगाया। मैंने कहा कि हमारा सिकल सेल है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट का है, अभी आपने आजादी मुंडा जी ने एक कहा, मैंने इसलिए उद्घाटन कराया, वंदन योजना है, यहाँ पर हमारे DFRI के लोग हैं, कृषि विभाग के लोग हैं, हमारे ट्राइबल के रिसर्च सेंटर के लोग हैं, DRI के लोग हैं, सारे लोगों के अलग अलग स्टॉल लगे हैं, और जितने भी समाज के प्रमुख हैं उनका यहाँ मुखियों को हमें यहाँ दिखाया है।